नमस्कार दोस्तों, टेक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको नोकिया 9 फ्यूचर व्यू का फुल डिटेल देने वाला हूं, जो कि किस फोन में क्या है खास और क्या है बकवास, जो कि 24 फरवरी को लॉन्च हुआ है। इस फोन के डिस्प्ले और डिजाइन की बात करें तो आपको इसमें 5.9 इंच का क्वाड HD प्लस पी ओलेड डिस्प्ले मिलता है, जो की 2K रेजोल्यूशन वाला मिलता है, जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। डिस्प्ले में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और बैक साइड में भी आपको ग्लास बॉडी मिलती है और पेंटा कैमरा यानी कि 5 कैमरा दिए गए हैं। तो ये 5 कैमरा सबसे ज्यादा तहलका मचाए हुए हैं, इन्हीं की पहले बात कर लेते हैं। इन सभी कैमरा में आपको 12 मेगापिक्सल का लेंस दिया हुआ है, जिनमें f1.8 एपर्चर मिलता है, जिनमें 2 कैमरा RGB भी मिलते हैं और 3 ही कैमरा मोनोफोटो शूट करते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई भी कैमरा आपको वाइड एंगल या टेलीफोटो वाला नहीं मिलता है, बट फिर भी ये 5 कैमरा मिलकर एक जबरदस्त फोटो कैप्चर करेंगे। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का मिल जाता है और आप दोनों साइड के कैमरे से आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने थोड़ा पुराना प्रोसेसर इसमें डाला है, जो कि 2018 में आपको काफी फोन्स में देखने को मिला है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 जो कि रन करता है स्टॉक गूगल एंड्रॉइड 9 पाई पर, और इसमें आपको 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। अब इसके बैटरी और कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें USB टाइप सी 3.1 मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, NFC 3 माइक्रोफोन्स, सिंगल स्पीकर और सभी तरीके के सेंसर दिए गए हैं। इस फोन में आपको 3320mAh की बैटरी दी गई है, जिसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा फोन में IP67 रेटिंग मिल जाती है, जो कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है। फोन का साइज 155x75 है और 8mm की थिकनेस मिलती है। इस फोन का कुल टोटल वजन 172 ग्राम है। ये फोन मिडनाइट ब्लू कलर में ही आता है। इस फोन का प्राइस कंपनी ने $699 रखा है, जो कि अप्रोक्स 49,000 के करीब बनता है। और ये फोन इंडिया में कब तक लॉन्च होगा इसके बारे में कंपनी ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। अब इस फोन में जान लेते हैं कि क्या क्या बकवास चीजें भरी हुई है। इस फोन में आपको कोई भी नोट्स देखने को नहीं मिलती है, वही पुराना डिजाइन इस फोन में आपको मिल जाता है। सेकंड, इसमें आपको पुराना 2018 का प्रोसेसर दिया गया है। नेक्स्ट, इस फोन में आपको जो कैमरा मिलते हैं वो फोटो को कंपाइल करके एक सिंगल फोटो बनाते हैं, जिससे वो प्रोसेसिंग करता है। शायद ये नेक्स्ट अपडेट से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, कैमरा में आपको वाइड एंगल टेलीफोटो को भी नहीं मिलता है और थोड़ा सा मुझे ये ओवर प्राइस भी लगता है। तो क्या आप ये फोन लेना पसंद करेंगे? तो ये जब इंडिया में लॉन्च होगा, आप में से कितने लोग हैं जो इस फोन को लेना पसंद करें, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।